प्यारे बच्चों सुप्रभात। देखिए हम आपको पाठ 12 शेष साक्षात्कार का भाषा बोध बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। का नंबर है, घोष बाबू का बंगला आबादी से 2-3 मील दूर था। घोष बाबू बंगले के द्वार खुले छोड़कर सोया करते थे। इसी विचार से घोष बाबू मृत प्राय पड़े रहे। उनका नौकर राम सिंह छुट्टी मांगने आया। कौन भला आदमी नौकर को छुट्टी न देगा। 2 मील तक उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर लिखित वाक्यों में से पहले 3 वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं आकर्मक हैं और दूसरे 3 वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अर्थात जो वाक्य बिना कर्म के ही पूर्ण हो वे अकर्मक क्रियाओं के वाक्य हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो वाक्य बिना कर्म के अपूर्ण हो वे सकर्मक क्रियाओं के वाक्य हैं। अब ध्यान दीजिए, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? पढ़ने का व्यापार कौन कर रहा है? बालक कर्ता। क्या पढ़ता है? पढ़ने का व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर, ये कर्म है। सरला पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र लिखती है। मोहन फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। ऊपर लिखित वाक्य पद बालक पढ़ता है, सरला लिखती है अथवा मोहन खाता है तो अधूरे होते हैं, होते। तब हमें क्या पढ़ता है, क्या लिखती है, क्या खाता है या जिज्ञासा बनी रहती है। जब तक इन वाक्यों में पुस्तक पत्र और फल या इसी प्रकार के अन्य शब्द न जोड़े जाएँ ये वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देंगे। ये सारी क्रियाएं सकर्मक हैं। सीता लजाती है, क्या लजाती है? कोई उत्तर नहीं है। बच्चा सोता है, क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं। मोहन रोता है, क्या रोता है? शिशु हंसता है, क्या हंसता है? इसका कोई उत्तर नहीं है। इन वाक्यों में क्या पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ये सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये सारी क्रियाएँ अकर्मक हैं। जो क्रियाएँ पूर्ण होती हैं वो अकर्मक होती हैं, जो क्या पर टिकती हैं वो सकर्मक होती हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान आपको करनी है। ऊपर लिखित वाक्यों में आपने देखा कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, इसको पहचानने के लिए एक प्रश्न किया गया, क्या। अर्थात क्रिया से पूछा जाए क्या, और यदि कुछ उत्तर मिले तो उसको समझ लीजिए कि वो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। इस तरह से आपको ये गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको आप पाठ में 5 अकर्मक क्रिया ढूंढ करके लिखेंगे। पाठ में से सकर्मक क्रिया लिखना है, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना। सकर्मक क्रिया लिखेंगे और अपने वाक्यों में उसको प्रयोग भी करेंगे। उसके बाद रचनात्मक काल में अपने सबसे प्रिय पशु के संबंध में 10 वाक्य लिखना है। तो हम अपने तरफ से आपको प्रिय आपका जो भी हो, लेकिन हमने आपको गृह कार्य में गाय पर 10 वाक्य लिखने के लिए दिया है। इसे आप स्वयं लिखेंगे और गाय पर निबंध लिखने के बाद 10 वाक्य इस पाठ, ये पाठ आपका पूर्ण हो रहा है। और इस पाठ को पूर्ण करने के बाद इसका इसको कॉपी को आपको चेक कराना है। पाठ 13 कल पढ़ाया जाएगा।